हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सभी? होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, अभी हमें बड़नगर में, और आप सोचेंगे बड़नगर क्यों आए, पहले बता दूं बड़नगर की लोकेशन क्या है। जब आप इंदौर से रतलाम आते हैं तो आपको आना है उज्जैन होते हुए। उज्जैन में आपको उज्जैन से जब रतलाम तरफ आएंगे तो आपको रास्ते में मिलेगा बड़नगर। बड़नगर में आए हम यहाँ के फेमस दाल और बिस्किट खाने। आप सोचेंगे दाल बिस्किट क्या होते, तो चलते हैं वहीं, आपको बताते हैं दाल और बिस्किट क्या होते, बहुत ही ज़्यादा फेमस डिश है यहाँ की। तो चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आपको आना है बड़नगर बस स्टैंड पे। उसके पास में आपको दिखेगा अपना श्री कृष्णा भोजनालय, जहाँ पे मिलने वाला आपको दाल बिस्किट। तो आप चलते अंदर, टेस्ट करते, भैया से बात भी करेंगे और जानेंगे कि दाल बाफले और दाल बिस्किट में क्या अंतर होता है। तो अंदर चलते हैं। हाँ भैया, अपना ये दाल बिस्किट जो बाटी रहती है या बाफले, उससे कैसे अंतर है, मतलब उसमें डिफरेंस क्या है? दाल बिस्किट और दाल बाफले का ये अंतर है, दाल बाफला भारी रहता है और बिस्किट जो है वो नेचुरल जो आटा रहता है गेहूं का, जिससे अपन रोटी बनाते हैं उससे वाला आटा इन्वॉल्व होता है इसमें, और भारीपन बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होता है। आपने रोटी खाई और बिस्कुट खाया, सेम एक बराबर रहता है। और अपनी दाल कौन सी बन रही है अभी? दाल खट्टी मीठी, सबसे बेस्ट दाल है खट्टी मीठी। दाल बिस्कुट के साथ में अगर दाल खट्टी मीठी दाल नहीं खाई तो फिर आपको वो स्वाद नहीं आएगा। वो नया जो दाल जी अलग ओरिजिनल आना चाहिए। बढ़िया से पहले तवे पे इसको सेकते हैं, उसके बाद डायरेक्ट कोयले पे। ये सचिन भाई बैठे हैं दाल बिस्किट का इंतजार करते हुए। तो दोस्तों, ये आ गए दाल बिस्किट। काफी, मतलब जो दाल की खुशबू है बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ये देखिए, ये होता है दोस्तों बिस्किट, समथिंग लाइक पूरा घी से भरा हुआ है और वैसा ही है। तो बाकी टाइप है, बाकी से बहुत हल्का है, जैसा कि भैया ने हमको बताया। चलिए अब टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा है। तो दोस्तों, दाल बिस्किट को जो खाने का तरीका है वो सेम एज इट इज दाल बाटी तरीका है, दाल बाटी टाइप का है। दाल बहुत खट्टी होने, खट्टी मीठी होने वाली, जैसा कि भैया ने बताया। दाल बिस्किट को खाने का जो मज़ा है वो है खट्टी मीठी डाल के खाने का। तो टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ। एक नंबर, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस, शानदार, जानदार, जबरदस्त। जैसा भैया ने बताया कि खाने में हल्का है, एक और बाइट लेता हूँ। रियली आपका मतलब बनता है खाना, तो बिल्कुल बनता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। तो चलिए फिनिश करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ लोकेशन। तो दोस्तों, खा लिए थे दाल बिस्किट, काफ़ी डिलीशियस थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।